उत्तर भारत के कई राज्यों में दाखिल हो चुके मॉनसून ने करोड़ों लोगों को भी बड़ी राहत प्रदान की है। पूर्व की ओर से उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका मॉनसून अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह हर हाल में मॉनसून दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे देगा। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 27 जून बताई गई है, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि मॉनसून 27 जून की बजाय एक या दो दिन की देरी से दिल्ली एनसीआर में पहुंच सकता है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक पहले 27 जून को मॉनसून पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 29 या 30 जून को मॉनसून दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है। वहीं मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ की माने तो मौजूदा परिस्थिति में अगले 4 से 5 दिन जो पूर्वानुमान जताया गया है, इस दौरान मॉनसून नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की तारीख घोषित नहीं की गई है। वहीं स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञ का कहना है कि 29 या 30 जून को मॉनसून पहुंचने की संभावना है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।